Hello students, this video lecture is on programming in C for diploma second semester CSE students and BE fourth semester AT&T students. My name is Neelam Sharma, assistant professor, CSE department from Bharati College of Engineering and Technology, Durgapur. इसके पहले हमने ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मतलब एरे पढ़ा हुआ है, 2D एरे क्या होता है ये नहीं पढ़ा है. तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज 2D एरे, how its programs can be executed. तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि 2D array क्या होता है. तो हमको थोड़ा सा previous चीज़ें याद करनी पड़ेगी कि array जो है वो तीन टाइप के होते हैं, 1D, 2D और multi-D. तो 1D array में जो है वो subscript जो है वो एक ही लगती है, 2D array में जो subscript है वो दो subscript रहती है, और multi-D में तीन ज़्यादा लगा सकते हैं. तो जनरली मल्टीडी हम अभी तो नहीं पढ़ते, पर 2D एरे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एरे का. वो इसलिए कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स, जो हम मैथ्स में मैट्रिक्स करते हैं, आपको याद होगा ये जो है 2×3 का मैट्रिक्स है, ये भी 2×3 का मैट्रिक्स है. सॉरी, 3×3 2 रो 3 कॉलम. ठीक है, तो ये अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में हमको सी में काम करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो वो जो है वो काम जो है 2D एरे के थ्रू ही होता है. उसमें क्या होता है, आई और जे लेते हैं हम. आई जो है वो रो के लिए और जे जो है वो कॉलम के लिए. हमारे पास अगर दो मैट्रिक्स है तो जो आई है वो रो वाइज चलेगा और जो जे है वो कॉलम वाइज चलेगा. तो एरे जो है वो बिना लूप के ना ही एंट्री होता है ना ही प्रिंट होता है. हम स्कैनर जो भी है एरे का, वो भी हम फॉर लूप के अंदर ही लिखते हैं. तो पहले जब हम 1D एरे पढ़ रहे थे तो हम एक ही फॉर लूप चला रहे थे आई का, पर क्योंकि हम यहाँ पे 2D एरे कर रहे हैं तो एक आपको रो के लिए लूप चलाना पड़ेगा और एक आपको कॉलम के लिए. उसके बाद जो वैल्यूज हैं वहाँ पर वैसे होती हैं, 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2. ये 0 0 के लिए होते हैं, 0 0 1, ये 0 1, ये 0 2, ये 1 0, ये 1 1, ये 1 2. सिमिलरली यहाँ पर भी होगा 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 2. तो ये दो मैट्रिक्स हैं. आप मैट्रिक्स से बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि आप इन दोनों को सम कर सकते हो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हो, या फिर सिमेट्री निकाल सकते हो, सिमेट्री चेक कर सकते हो मैट्रिक्स का, या फिर ट्रांसपोज निकाल सकते हो. तो मैट्रिक्स में जो मैथ्स में जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उन ऑपरेशंस को हम सी में कन्वर्ट करके सी के प्रोग्राम्स भी बना सकते हैं. तो बेसिकली जो 2D एरे होता है वो मैट्रिक्स के लिए ही यूज होता है. आई जिसमें रो है और जे जिसमें कॉलम है, उस हिसाब से हम लूप चलाते हैं. तो जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है या सम है, ये आप आज इस वीडियो लेक्चर में आपको देखेंगे ये कैसे होता है. तो मैंने पहले से एक प्रोग्राम लिख के रखा हुआ है, उसके ऊपर उसका एम भी लिखा हुआ देखिए कि राइट द प्रोग्राम टू रीड एंड राइट 2×3 मैट्रिक्स. ये यहाँ पे हमारी दोनों हेड ऑफ आइज जो कि मैं नहीं लिखती ताकि आप लोगों को भी याद हो सके, वर्ड में हम यहाँ पर देखिए ये हमने 2D एरे का डिक्लेरेशन किया है. इसी को बोलेंगे हम 2D एरे का डिक्लेरेशन. तो यहाँ पर 2×3 मैट्रिक्स का, 2×3 का मतलब होता है 2 रो और 3 कॉलम. तो 2 रो और 3 कॉलम, तो यहाँ पर 2 सबस्क्रिप्ट्स लिए हैं. फिर आई और जे की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज करते हैं, क्योंकि जो एरे में इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट करती है. उसके
बार हमारा क्लियर स्क्रीन हम देखिए यहाँ पे लूप जो चल रहा है एंटर कराने के वैल्यूज को हम लूप चला रहे हैं, हम इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यूज को एंटर करा रहे हैं और उसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो एरे में लूप चलता है वो जीरो से स्टार्ट होता है और यहाँ पर इक्वल टू हम नहीं लगाते कंडीशन चेकिंग में, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट हुआ है तो जो वैल्यूज है अगर टू है तो वो जीरो और वन तक के ही चलेगा और अगर थ्री है तो जीरो वन टू तक के ही चलेगा, इसीलिए हम यहाँ पर इज इक्वल्स टू कंडीशन चेकिंग में नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले लूप चलाएंगे तो आउटर लूप जो है वो आई का है, तो यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे कि आई की वैल्यू जीरो है, आई इज लेस देन टू, तो जीरो इज लेस देन टू कंडीशन टू है तो नीचे आया, नीचे भी उसको लूप मिला। और जे इज इक्वल्स टू जीरो, जे इज लेस देन थ्री, तो जीरो इज लेस देन थ्री अगेन कंडीशन टू, तो क्या प्रिंट करेगा एंटर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, तो जो भी आप प्रिंट करते हैं लिखते हो आया से दस प्रिंट हो जाता है, तो यहाँ पर लिखेगा एंटर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्कैनर लिखा हुआ है एड्रेस ऑफ एम ऑफ आई जे, जब सिर्फ सिंगल एरे रहता था तो वहाँ से लिखते थे एम ऑफ आई, तो वो सिंगल एरे के लिए था, अगर बर्डी एरे के लिए था तो टू बी एरे के लिए आयो बच्चे दोनों लिखना पड़ता है। तो एम ऑफ आई जे का मतलब है एम ऑफ जीरो जीरो, क्योंकि यहाँ पर आई की वैल्यू भी जीरो है और जे की वैल्यू भी जीरो जीरो है, तो अभी जो हम वैल्यू एंटर कराने वाले हैं कौन सी वैल्यू हमारे मैट्रिक्स की जीरो जीरो, तो सपोज हम वन एंटर करा दिए तो एक एलिमेंट एंटर हो गया, ये वाला एलिमेंट कौन सा था हमारा एम ओ जीरो जीरो, ऐसे लिखा है मैंने आपके लिए लिख रही हूँ। उसके बाद वापस गए जे की वैल्यू इंक्रीमेंट की, क्यों जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी क्योंकि इनर लूप की पहली वैल्यू जो है वो पहले इंक्रीमेंट होगी, तो अब जे की वैल्यू होगी वन, यहाँ से वन किए जीरो से वन होगा तो वन इज लेस देन थ्री कंडीशन अगेन ट्रू, तो अब ये जो है यहाँ पर कौन सी वैल्यू एंटर होगी जीरो वन, तो जीरो वन में मान लीजिए हमने अगेन वन डाला तो ये जो वैल्यू है वो किसकी है एम ओ जीरो वन। उसके बाद जे की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट करेंगे और जे की वैल्यू हो जाएगी टू, तो टू इज लेस देन थ्री अगेन कंडीशन ट्रू है, तो फिर क्या होगा वैल्यू एंटर कराएंगे हम सिक्स वैल्यू एंटर कर, तो ये पूरी जो वैल्यू होगी वो होगी अमाउंट जीरो टू। उसके बाद फिर से जब हम यहाँ पर कंडीशन चेक कराएंगे जे की वैल्यू का इंक्रीमेंट करके तो ये जो है वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और जब इनर लूप फॉल्स हो जाता है वो आउटर लूप की वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है, तो अभी इनर लूप की वैल्यू फॉल्स होगी यहाँ पर तो वो आउटर लूप की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, तो आउटर लूप में आई की वैल्यू जीरो थी अब हो गई आई की वैल्यू वन, तो वो चेक करेगा वन इज लेस देन टू कंडीशन टू है, फिर नीचे आया जे इज इक्वल्स टू जीरो जे इज लेस देन थ्री कंडीशन टू, तो अब जो वैल्यू एंटर होगी वो होगी एम ऑफ वन जीरो, आई की वैल्यू वन हुई थी और जे की वैल्यू जीरो हो गई थी, अब वापस से इनर लूप की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी फिर आउटर लूप की, तो अब वापस जे की वैल्यू वन के लिए चेक करेगा तो हम फिर से वैल्यू एंटर करा देंगे, यहाँ पर एंटर करा देंगे टू, यहाँ पर वैल्यू हो जाएंगे एम ऑफ वन वन के लिए, और फाइनली जो वैल्यू एंटर होगी वो होगी एम ऑफ टू टू के लिए, तो हमने वैल्यू जो है वो एंटर करा ली। अब वापस जब जाएगा जे का लूप जो फॉल्स हो जाएगा यहाँ पर थ्री लेस देन थ्री, इनर लूप फॉल्स हो गया तो आउटर लूप में गया, अब आउटर लूप में जाके आई की वैल्यू को क्या कर दिया टू, टू इज लेस देन टू अगेन कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स होते हैं जो लूप वाला पूरा ब्लॉक है उससे बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैट्रिक्स ए, तो एज इट इज प्रिंट करने का मैट्रिक्स ए। अब प्रिंट कराने के लिए भी हमको अगेन लूप चलाना पड़ेगा, तो सिमिलरली आई इज इक्वल टू जीरो आई इज लेस देन टू कंडीशन टू है, जे इज इक्वल टू जीरो जे इज लेस देन टू अगेन कंडीशन टू है, तो क्या प्रिंट करना है उसका एम ऑफ जीरो जीरो, तो एम ऑफ जीरो जीरो की क्या वैल्यू थी वन, फिर जे की वैल्यू क्या हो जाएगी
1, so 1 is less than 3, again condition 2 1, so m of 0 1. फिर 7 प्रिंट होगा, फिर होगा j की वैल्यू 2, अगेन कंडीशन 2 है तो m ऑफ 0 2 भी क्या है 1, फिर j की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, देखिए नीचे है प्रिंटर स्लैश है मतलब कर्सर कहां आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में, फिर i की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे, i की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 इज लेस देन 2, कंडीशन 2 है, तो फिर कंडीशन 2 होने के बाद फिर j का लूप कितने बार चलेगा, 3 बार चलेगा, आउटर लूप की वैल्यू के लिए जे का लूप जो है वो 3 बार चलेगा, क्यों चलेगा 3 बार, क्योंकि आई की वैल्यू होगी आपको ये कंडीशन होगी तो जे चलेगा 0 1 और 2 के लिए, तो अब क्या वैल्यू प्रिंट होगी 2 2 और 2 1 0 1 1 और 1 2, तो ये सिंपल मैट्रिक्स का सिर्फ प्रिंट निकाला है हमने, सिर्फ उसकी वैल्यूज एंटर करी है और उसको प्रिंट निकाला है, उसको हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो आपको बहुत सारा प्रोग्राम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये देखिए हमने यहाँ पे एक ही मैट्रिक्स एंटर कराया है, ये एक सिंगल मैट्रिक्स है, ऐसे आपको दो मैट्रिक्स एंटर कराने पड़ेंगे और उसके लिए एक और मैट्रिक्स लेना पड़ेगा जिसमें आप उन दोनों के सम का आउटपुट लेंगे, उसके बाद ये जो प्रोसीजर आपने एक मैट्रिक्स के लिए फॉलो किया है वो दो मैट्रिक्स के लिए फॉलो करना पड़ेगा, और सिमिलरली आउटपुट निकालने के लिए आगे आपको ये प्रोसीजर लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो एडिशन होता है दो मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वो ऐसे होता है कि 0 0 प्लस 0 0 0 1 प्लस 0 1 0 2 प्लस 0 2, तो ये जो डायरेक्ट एडिशन होता है तो उसमें उतनी मुश्किल नहीं जाती, मुश्किल जाती है आपको मल्टीप्लिकेशन, तो इसके बाद जो हम प्रोग्राम देखने वाले हैं वो हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम समझेंगे कि दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते आपको पता होना चाहिए कि 2 क्रॉस 1 3 क्रॉस 2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स मिलता है, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि कितने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है तो फिर आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी पार्ट है।
अब जो इतना जो सेम प्रोसीजर है वो आपको बी के लिए लिखती हूँ, पर बी में क्या होगा यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 3x2 वो मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि वो फिर लिखने से बहुत ज़्यादा बोर्ड भर जाएगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। अब यहाँ पर मैट्रिक्स को प्रिंट कराने के लिए भी आपको फॉर लूप चलाना पड़ेगा, होगा यहाँ पे आईजे है, यहाँ पर जेके है, और फाइनली प्रिंटफ के अंदर आप लिखेंगे सी ऑफ आईजे। तो वो बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ, आपको मैं सीधा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी कि ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। बी वाला पार्ट मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ये चीज सेम बी के लिए भी आएगी, उसके बाद ये जो मेन कॉन्सेप्ट के बाद यहाँ पर फॉर लूप चलेगा और लास्ट में हम लिखेंगे कि प्रिंट सी ऑफ आई जे, तो वो सी ऑफ आई जे को कैसे प्रिंट करेगा वो मैंने थोड़ा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ इसका। ये जो है वो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन का प्रोग्राम है जो कि बहुत ही लव माना जाता है सी प्लस प्लस में या सी प्लस प्लस में, वो इसीलिए क्योंकि इसमें तीन लूप यहाँ पर चल रहा है तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है बच्चों को कि कैसे हम लूप को समझें, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप 2x3 मैट्रिक्स को 3x2 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जो आउटपुट है वो 2x2 मिलता है। तो हमने एक मैट्रिक्स लिया है 2x3, दूसरा 3x2, अब आपको पता होगा तभी तो आप आउटपुट जो है ठीक से डिक्लेयर कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर C22 लिया है क्योंकि ये हमारा आउटपुट मैट्रिक्स है। आई जे और के की वैल्यूज ने भी इनिशियलाइज कर दी, उसके बाद ये जो सारा चक्कर यहाँ पर चलाया गया है लूप का वो किसके लिए है, मैट्रिक्स ए के लिए है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पूछेगा एंटर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, इनको आप एंटर करा दीजिए 1 1 1 1 1, सेम चीज़ आपको पूछेगा, मैं यहाँ पर फॉर्मेशन में लिख रही हूँ ये मेरा मैट्रिक्स ए, फिर सेम चीज़ आपको पूछेगा मैट्रिक्स बी के लिए, फिर से 1 1 1, 3x2 है ये, 2x3 का 2 रो 3 कॉलम, यहाँ पर 3 रो और 2 कॉलम, ये हो गया आपका मैट्रिक्स। तो आपने मैट्रिक्स की वैल्यू एंटर करा दी, हमने 2 मैट्रिक्स लिया 1 1 1 1 1 1, तो
U matrix B, U matrix A, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन करना है. अब ये 0 0, ये 0 1, ये 0 2, ये 0, ये 1 0, ये 1 1, ये 1 2, 0 0, 0 1, 1 0, 1 1, 2 0, 2 1, ये होगा उसके एलिमेंट्स. अब हमको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो है सी वाला मैट्रिक्स. तो वैल्यू ऑफ एंटर हो गई यहाँ से भी. अब जो मेन समझने वाला पोर्शन है वो ये वाला है. तो सबसे पहले आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 2, 0 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू है. J is equal to 0, J is less than 2, 0 is less than 2, again condition is true. Then C of ij is equal to 0, तो C of ij की value क्या initialize होगी? 0. अब यहाँ पर देखिए K is equal to 0, K is less than 3, 0 is less than 3. ये जो है C और 0 0 वाला एलिमेंट हमारा अभी निकल गया है. तो आपको याद होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये वाला एलिमेंट करते हैं. तो पहला जो एलिमेंट हमको C का मिला वो मिला 3. ये कौन सा एलिमेंट था? C और 0 0. अब जो एलिमेंट निकालेंगे वो हम निकालेंगे C और 0 1. उसके लिए क्या होगा? J की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, K का लूप जब फॉल्स हो जाएगा, K की वैल्यू जब 3 हो जाएगी तो 3 इज लेस देन 3 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो वो नीचे जाएगा और स्लैश इन मैट्रिक्स से चला जाएगा. तो फिर हम किसका लूप इंक्रीमेंट करेंगे? J का. तो J की वैल्यू इंक्रीमेंट करके हम करेंगे 1. तो फिर से C ऑफ आई जे क्या लेगा? वो 0 0 लेगा. अब यहाँ पर जो C ऑफ आई जे है वो क्या है? C ऑफ 0 और 1, क्योंकि आई की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू अभी भी 1 है. तो फिर से आप लूप चलाएंगे, के का लूप चलेगा, के इज इक्वल टू 0, के इज लेस देन 3, के प्लस वन, कंडीशन ट्रू है. यहाँ पर 0 1 आएगा, यहाँ पर 0 0 और यहाँ पर 0 1, क्योंकि जे की वैल्यू 0 है. तो आपको पता होना चाहिए ये इंटू ये फिर ये इंटू ये फिर ये इंटू ये वाला एलिमेंट होगा. तो उसके लिए ए ऑफ 0 0
into b of 0 1 0 0 into 0 तो 1 into 1 plus k की वैल्यू हो जाएगी 1 तो ये होगा a of 0 1 into b of 1 1 a of 0 1 into b of 1 1 तो अगेन 1 into 1 plus अब एक वैल्यू हो जाएगी 2 तो a of 0 2 into b of 2 1 a of 0 2 into b of 2 1 into 1 तो अगेन इसकी वैल्यू जो है वो हमको मिलेगी 3 अब a का लूप फॉल्स होगा तो वो j के लूप पे जाएगा j का लूप भी यहां पर फॉल्स हो जाएगा क्योंकि जब j की वैल्यू हम इंक्रीमेंट करेंगे 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 इज लेस देन 2 तो ये भी लूप फॉल्स हो जाएगा तो अब किसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी i की वैल्यू होगी 1 अब अगेन j जो है वो 0 से चलेगा और k भी जो है वो 0 से चलेगा तो यहां पर हो जाएगा 1 0 और यहाँ पर होगा 1 0 यहाँ पर होगा 0 0 1 0 into 2 0 ठीक है तो यहाँ पे अगेन 1 into 1 plus 1 into 1 plus 1 into 1 ये कैसे आएगा I की वैल्यू हो गई है 1 और J चलेगा 0 K चलेगा अगेन 0 जब k तीन बार चल जाएगा तो हमको ये बार एलिमेंट मिलेगा फिर हम i का वैल्यू बढ़ाएंगे i की वैल्यू हो जाएगी 1 j की वैल्यू सॉरी हो जाएगी 1 तो अगेन यहाँ पर 1 0 1 1 और 1 2 के लिए लूप चलेगा तो अगेन हमको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 1 into 1 into 1 करेंगे हम फाइनली तो हमको जो आउटपुट मिलेगा c का मिलेगा 2 cross 2 2 पर तो ये था फाइनल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अब यहाँ पर जो के वाला लूप है वो इसलिए चलाया गया क्योंकि बीच में जो हमको वैल्यूज चाहिए यहाँ पर जो हमको वैल्यूज चाहिए 0 0 into 0 0 0 0 into 0 1 0 0 into 1 1 0 0 into 2 1 तो जो बीच का जीरो आ रहा है जो बीच की वैल्यूज आ रही है उसके लिए हमको एक और लूप यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में चलाना पड़ा है वो लूप है हमारा के तो ये था आज का टॉपिक 2D एरे का प्रिंट कैसे करते हैं उसको स्कैन कैसे करते हैं और उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं थैंक यू
ये जो है सी और जीरो जीरो मेरा एलिमेंट हमारा अभी निकल गया है। तो आपके आगे का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये वाला एलिमेंट करते हैं। तो पहला जो एलिमेंट हमको सी का मिला वो मिला थ्री। ये कौन सा एलिमेंट था? सी और जीरो जीरो। अब जो एलिमेंट निकालेंगे वो हम निकालेंगे सी और जीरो। उसके लिए क्या होगा? J की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, K का लूप जब पॉज हो जाएगा, K की वैल्यू जब 3 हो जाएगी तो 3 इज लेस देन 3 कंडीशन पॉज हो जाएगी, तो वो नीचे जाएगा और स्लैश इन मैट्रिक्स से चला जाएगा। तो फिर हम किसका लूप इंक्रीमेंट करेंगे? J का। तो J की वैल्यू इंक्रीमेंट करके हम करेंगे 1। तो फिर से सी ऑफ आई जे क्या लेगा? वो 0 0 लेगा। अब यहाँ पर जो सी ऑफ आई जे है वो क्या है? सी ऑफ 0 और 1, क्योंकि आई की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू अभी भी 1 है। तो फिर से आप लूप चलाएंगे, के का लूप चलेगा, के इज इक्वल टू 0, के इज लेस देन 3, के प्लस वन, कंडीशन 2 है। यहाँ पर 0 1 आएगा, यहाँ पर 0 0 और यहाँ पर 0 1, क्योंकि जे की वैल्यू 0 है। तो आपको पता होना चाहिए ये इंटू ये फिर ये इंटू ये फिर ये इंटू ये वाला एलिमेंट होगा। तो उसके लिए ए ऑफ 0 0 इंटू बी ऑफ 0 0 0 इंटू 0 तो 1 इंटू 1 प्लस k की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये होगा a ऑफ 0 1 इंटू बी ऑफ 1 1, a ऑफ 0 1 इंटू बी ऑफ 1 1। तो अगेन 1 इंटू 1 प्लस अब k की वैल्यू हो जाएगी 2, तो a ऑफ 0 2 इंटू बी ऑफ 2 1, a ऑफ 0 2 इंटू बी ऑफ 2 1 इंटू 1। तो अगेन इसकी वैल्यू जो है वो हमको मिलेगी 3। अब a का लूप फॉल्स होगा तो वो j के लूप पे जाएगा, j का लूप भी यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जब j की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 इज लेस देन 2, तो ये भी लूप फॉल्स हो जाएगा। तो अब किसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी? i की। तो i की वैल्यू होगी 1। अब अगेन जे जो है वो 0 से चलेगा और के भी जो है वो 0 से चलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0 और यहाँ पर होगा 1 0, यहाँ पर होगा 0 0, 1 0 इंटू 2 0, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 कैसे आएगा? I की वैल्यू हो गई है 1 और J चलेगा 0, K चलेगा अगेन 0। जब K 3 बार चल जाएगा तो हमको ये वाला एलिमेंट मिलेगा। फिर हम I का वैल्यू बढ़ाएंगे, I की वैल्यू हो जाएगी 1, J की वैल्यू सॉरी हो जाएगी 1, तो अगेन यहाँ पर 1 0 1 1 और 1 2 के लिए लूप चलेगा। तो अगेन हमको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे हम फाइनली, तो हमको जो आउटपुट मिलेगा सी का मिलेगा 2 क्रॉस 2 2 2। तो ये था फाइनल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर जो के वाले लूप है वो इसलिए चलाए गए कि बीच में जो हमको वैल्यूज चाहिए, यहाँ पर जो हमको वैल्यूज चाहिए 0 0 इंटू 0 0 0 0 इंटू 0 1 0 0 इंटू 1 1 0 0 इंटू 2 1, तो जो बीच का जीरो आ रहा है, जो बीच की वैल्यू आ रही है, उसके लिए हमको एक और फॉर्मूला हमारे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में चलाना पड़ा है, वो है हमारा के। तो ये था आज का टॉपिक 2D एरे का, प्रिंट कैसे करते हैं, उसको स्कैन कैसे करते हैं और उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। थैंक यू।